गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम जा रहे हैं एक अमेजिंग एडवेंचरस पे और वो एडवेंचर हम करने वाले हैं एक 50 साल पुराने फार्म हाउस पे। तो चलिए मैं फार्म हाउस का आपको टूर कराता हूँ। गाइस मैं हूँ अपने गांव से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर एक बीहड़ और बिरान प्लेस में, जहाँ पर है एक कई साल पुराना फार्म हाउस जो पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। यहाँ पे रहने वाले जो किसान हैं अब यहाँ पे नहीं रहते हैं, क्योंकि ये गांव से काफी दूर है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, इसलिए ये थोड़ा सा आउटर पर जाता है और जंगल के करीब है, इसलिए यहाँ पे किसान साल में सिर्फ एक बार आते हैं खेती करने के लिए। तो ये जगह हमने चुना है कैंपिंग के लिए। सुबह के 10 बज रहे हैं और हम हैं एक अबेंडन फार्म हाउस में, जिसे आज से लगभग 40 साल पहले बनाया गया था। और इस बीहड़ में जहाँ इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, हम सर्वाइव करेंगे 24 आवर्स। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम ढूंढेंगे एक ऐसी जगह जहाँ पे अपना शेल्टर बना सकें, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वुड्स यानी लकड़ियाँ जिससे हम अपना शेल्टर बना सकें, फिर लास्ट में हम सर्च करेंगे फूड और वाटर जो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी होने वाला। सो गाइस बड़ी मुश्किलों के बाद हमें एक ऐसी प्लेस मिल गई है जहाँ हम बना सकते हैं अपना शेल्टर। ये है एक बाहरी का पेड़, उसके पीछे भी दो वृक्ष हैं और यहाँ भी है एक ट्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेस बनाएंगे, बेस के ऊपर हम लोग अपना शेल्टर बना सकते हैं, ऊपर अपना एक शेड भी बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ लकड़ी, तो हमने वहाँ पे देखा है बम्बू, तो उसको हम काटेंगे और लेके आएंगे। ये पूरा फार्म हाउस लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए कटीले वायर से फेंसिंग की गई है, बट फेंसिंग की हालत काफी खस्ता है। इसमें एक खंडहर हो चुका पोल्ट्री फार्म, एक खंडहर घर, बड़ा सा और डरावना कुआं और कई पेड़ हैं। सो गाइस ये है एक अबेंडन फार्म और पीछे है एक अबेंडन हाउस जिसमें 30 से 40 साल पहले किसान रहा करते थे। फिलहाल ये अबेंडन है तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। ये है एक फावड़ा जिससे हम अपने बेस को लेवल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लकड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने शेल्टर बनाने में कर सकते हैं। देख सकते हैं कैसा जर्जर हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। सो गाइस यहाँ पे है कई बांस के पेड़ जिसको हम शेल्टर बनाने के लिए काटने जा रहे हैं। क्योंकि ये जगह एक बीहड़ है और यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, इसलिए शेल्टर को हमें जमीन से कुछ हाइट पर बनानी होगी यानी पेड़ों पर, जिससे हम जानवरों के पहुंच से दूर रह सकें। दोपहर के 1 बज रहे हैं और हमें लगी है भूख, तो हमारे पास है मैगी, हम थोड़ी देर से ही मैगी बनाएंगे। जो भी पानी हमारे पास था ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हालांकि इस फार्म हाउस में है एक प्यारा सा कुआं तो हम उस कुएं से पानी ले सकते हैं, बट कंडीशन ये कि हमारे पास कोई बाल्टी नहीं है और उस कुएं में कोई भी पंप नहीं है, तो पानी लेने के लिए उस कुएं में उतरना पड़ेगा। तो ये है मेरा बैग जिसमें क्या क्या चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक गमछा, ये एक टॉर्च नाइट के लिए, ये मैगी, एक बाउल, बेसिकली एक भगोनी जिसमें हम चाय बनाएंगे और मैगी, फिर है हमारे पास रस्सी जिससे हम इसको टाई कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक बोतल पानी था और वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम जाएंगे कुएं के पास और कुएं से पानी लेके आएंगे। सो गाइस ये है कुआं और कुएं की हाल देख सकते हो, क्योंकि इस कुएं का पानी है तो अच्छा पर कोई यूज नहीं करता है। गाइस बीच बीच में मैं इसमें गांठ मार दूंगा जिससे मेरा हाथ स्लिप नहीं करेगा। गाइस मेरा हाथ स्लिप कर गया और मैं डायरेक्ट कुएं में गिर गया। अंशु वाटर देना। अंशु कैच कर लेना, ठीक है मैं फेंक रहा हूं। हाँ। गाइस बॉटल नीचे जा चुकी है, मेरे को नीचे जाना पड़ेगा लेने।
सो गाइस फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ और हमें पीने का पानी मिल चुका है। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ एक बोतल पानी के लिए। गाइस हमारा शेल्टर बनके तैयार हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने। सो गाइस ये है मेरा शेल्टर, कैसा लगा आपको? हमारी मेहनत के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता। पूरा दिन लग गया हमें शेल्टर का बेस तैयार करने में। अभी दिन ढल रहा है और थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। रात होने से पहले मुझे शेल्टर कंप्लीट करना होगा और साथ ही आग जलाने के लिए लकड़ी भी कलेक्ट करनी होगी। गाइस मैंने पहले ही बताया था कि ये जो पूरा जगह है ये एक बिहार है और इसके पीछे ही जंगल है और तालाब है और नदियां भी है, तो यहाँ से जंगली जानवर आते रहते हैं। अभी दो दिन पहले मैंने वाइल्ड कैट को यहीं पे देखा था और दो महीने पहले मैंने जंगली भालू को देखा था, तो इस वजह से हमें शेल्टर बनाना बहुत जरूरी था। शेल्टर का बेस तैयार हो चुका है, अब मुझे जरूरत है एक ऐसे घास की जिससे मैं अपना बिस्तर बना सकूं। ये है एक लंबे किस्म का घास जिसे मैं नीचे बिछाऊंगा और ये है गाजर घास जो मुलायम और नरम है जिसे मैं बिछाऊंगा ऊपर जो गद्दे का काम करेगा। इस अबेंडन घर पे मैंने एक सीढ़ी देखा था तो मैं सोचा क्यों ना उस सीढ़ी का मैं यूज करूं। हरा वाला जो घास फूस है गाजर घास, बेसिकली ये बहुत नरम है इसीलिए हमने इसको ऊपर रखने का फैसला किया है। और ये जो सरपट है ये थोड़ा सा स्ट्रांग है क्योंकि ये सूख चुके हैं, तो ये एक्चुअली डबल बिट गद्दे का काम करेगा। नीचे ये है ये थोड़ा स्ट्रांग है और थोड़ा सा हार्ड है पर ये काफी स्मूथ है। फाइनली हमने अपने शेल्टर को फाइनल टच दे दिया है। हमें सेट की जरूरत नहीं है क्योंकि सेट का काम करेगा ये पेड़, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 पेड़ हैं तो हमें ठंड रात में नहीं लगने वाली है। स्मूथ है, मैं लेट के देख सकता हूँ। गाइस ये काफी स्मूथ है, मैं सच बता रहा हूँ, ये गद्दे जितना आरामदायक तो नहीं है पर उससे कम भी नहीं है। पर जो सुकून यहाँ मिलने वाला है शायद कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हम छत में हैं, हम ना तो धरती पर हैं और ना ही आसमान में हैं, हम बीच में हैं और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। गाइस अभी जा रहे हैं जलाने के लिए लकड़ी ढूंढने क्योंकि रात होने से पहले हमें लकड़ी इकट्ठा करना होगा। अंधेरा होने वाला है, लकड़ी इकट्ठा कर ली हमने नाइट के लिए, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। रात के 7 बज रहे हैं और काफी अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं ये हमने एक फ्लैश लाइट जला रखा है जो हमारे पास टॉर्च था, तो अब टाइम है आग जलाने का और मैगी बनाने का। गाइस खंडहर में हमें ये मिला था, इससे क्या करते हैं कि इसमें खाना वगैरह आराम से बनाया जा सकता है, तो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं मैगी बनाने के लिए। तो गाइस फाइनली मैगी बनके तैयार हो चुका है और मैं ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि नीचे खाना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ जंगली जानवर कभी भी आ सकते हैं। हालांकि आग अभी भी जल रही है तो उसमें दिक्कत होने वाला है नहीं, तो मैगी बन गया है और यही हमारा आज का डिनर। ये मैं निकाल रहा हूँ मैगी और ये है पत्ता चूल्हा का, काफी गर्म इसलिए निकाला जा रहा है। तो गाइस मैं ट्राई करने वाला हूँ। हाँ हाँ, सो लिटरली गाइस पता नहीं कैसे बन गया ये मैगी, मुझे नहीं पता पर मैं सच बता रहा हूँ इससे अच्छा मैगी मैंने कभी नहीं खाया। और ये अगर मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा तो मुझे पता है ऐसी मैगी नहीं बनने वाली है, तो समहाउ कभी कभी ऐसा हो जाता है इत्तेफाक से। इधर कितना अंधेरा है और हम लोग, मैं काफ़ी ऊपर हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि जिस जगह हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, ट्री हाउस बना रहे हैं, वो 30 से 40 साल पहले इस फार्म हाउस को बनाया गया था और अब ये अबेंडेंड है। बेसिकली किसान लोग यहाँ पे साल में एक बार आते हैं और खेती करके चले जाते हैं। तो और पिछले ही हफ्ते मैंने एक वाइल्ड कैट देखा था, मतलब एक जंगली बिल्ली, और उससे 2-3 महीने पहले हमने एक जंगली भालू देखा था। और जो सियार हैं और जो छोटे ऐसे एनिमल्स हैं वो तो आते रहते हैं, तो उनके लिए हमने आग चलाया हुआ है जिससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हमने बर्छा कुल्हाड़ी और ऐसे कई औजार रखे हैं जिससे हमारी प्रोटेक्शन हो सकेगी। सो गाइस आग जल रही है और मैंने काफ़ी लकड़ी लगा दिया है जिससे आग काफ़ी देर तक जलती रहेगी। हालांकि बीच बीच में मैं उठ के आग जला सकता हूँ, वैसे रात को नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं होगा इसलिए मैं नीचे उतरना अवॉइड करूँगा।
ये मेरे पास है मेरा एक बैग, इस बैग को हम दोनों तकिए की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। रिमेनिंग इसके हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही हमारे पास ब्लैंकेट है और ना ही उड़ने के लिए कोई चादर। चारों तरफ सिर्फ सिर्फ अंधेरा है और सन्नाटा है। आग भी ऑलमोस्ट बुझ गई है, थोड़ी सी ही बची है। सोने से पहले मुझे एक बार नीचे जाना होगा और आग में कुछ और लकड़ियां डालनी होगी जिससे आग रात भर जलती रहे। ये है मेरा बर्च, जब भी मैं नीचे उतरता हूँ तो अपने साथ इस बर्ची को लेके आता हूँ, मुझे आग जलानी है। मैं सुबह से लगा हुआ इस फिल्टर को बनाने में, तो अब मैं थक चुका हूँ, डिनर भी हो चुकी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ अब सोने। अब मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं सच में बता रहा हूँ इतनी प्यारी नींद मुझे सालों बाद आई है। यहाँ पे हजारों बर्ड्स हैं और उनकी प्यारी चहचहाट ने मेरा मॉर्निंग ही बना दिया है। सुबह हो चुकी है और देख सकते हैं आग अभी भी जल रही है, तो मैं सबसे पहले आग को और थोड़ी लकड़ियाँ और इकट्ठी कर लेता हूँ और आग अच्छे से जला लेता हूँ, फिर बनाऊंगा मैं अपने लिए चाय। गाइस चाय बन चुकी है, क्योंकि मेरे पास पीने के लिए कोई मग नहीं है तो मैं यूज करने वाला हूँ छूला के पत्तों का। फोल्ड कर लूंगा, ये बन गया मेरा चोंगी और इसमें से मैं चाय को उड़ेल लूंगा। गाइस मैं झूठ तो नहीं कहूंगा पर चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है, कड़वी बन गई है, इसका टेस्ट एकदम कड़वा है। पर आप ऐसे बीघड़ में, ऐसे जंगल में आप उम्मीद ही क्या कर सकते हो, एटलीस्ट ये है इसी से काम चलाया जाए। तो ये एक गजब का एक्सपीरियंस रहा, ऐसे बीघड़ में रात बिताना, नाइट कैंपिंग करना, एक मचान बनाना, एक ट्री हाउस बनाना और मैगी खाना, नाइट कैंपिंग करना और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ऐसी कड़वी चाय पीना। सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारा सर्वाइविंग 24 आवर्स इन अबेंडन फार्म हाउस का चैलेंज यहीं पर खत्म होता है। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।